हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ से अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर सभी स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, जितने भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय के 17 से 2023 पार्ट वन के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी आगे पीछे भगाकर मत देखिएगा, वरना इन्फॉर्मेशन से आप वंचित हो जाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक यानी लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्या बड़ी खबर निकल कर आया हुआ है जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ से 17 से 2023 पार्ट वन के स्टूडेंट्स के लिए, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पार्ट, जी हां दोस्तों, जिनका फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आया था, और फोर्थ मेरिट लिस्ट में जिन छात्रों का नाम आया था, बहुत सारे छात्रों को पता नहीं है कि एडमिशन का लास्ट डेट क्या है, ठीक है। बहुत सारे छात्र सवाल कर रहे हैं, आज इससे जुड़ी जानकारी आपको देंगे, साथ ही साथ आपका एग्जाम फॉर्म का डेट कब जारी होगा यह भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिन्होंने अपना फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम चेक कर लिया है, फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आया था, उन छात्रों का मैं बता दूं कि आज उनका एडमिशन का लास्ट डेट रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन का आपका लास्ट डेट जो है आज है 15 तारीख तक। जी हाँ, उसके बाद आपका कोई भी एडमिशन का डेट नहीं रखा जाएगा, ना ही आपका एडमिशन स्वीकार किया जाएगा। आज आपको किसी भी हालात में जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है, फौरन जाके एडमिशन करवा लीजिए अपने अपने कॉलेज में, वरना उसके बाद आपका कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई एडमिशन स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि 17 बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है। आप लोगों को मालूम है, जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह आदेश दिया है कि जितने भी छात्र जो बचे हुए हैं, फौरन एडमिशन जाके कॉलेज में करवा लीजिए, फिर आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे आप कुछ भी कहें, चाहे आप कुछ भी करें, ये ध्यान रखें, कोई भी आपको मौका नहीं मिलेगा। तो फौरन आप एडमिशन आज जाके करवा लीजिए, क्योंकि आज ही आपका लास्ट डेट रखा गया है। हालांकि कल भी आपका एडमिशन हो रहा था, कल 14 तारीख था, कल भी आपका एडमिशन हो रहा था, अंबेडकर जयंती था, लेकिन आप लोगों ने सोचा होगा कि अंबेडकर जयंती में क्या पता छुट्टी होगा, कॉलेज बंद होगा, बहुत सारे छात्र एडमिशन नहीं लिए हैं कल को। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल को भी एडमिशन हो रहा था, यह मैंने बात पिछले वीडियो में भी बता दिया था आपको। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर दिया था कि एडमिशन जो है 13, 14, 15, 14 को भी होगा, 14 तारीख को कोई छुट्टी नहीं होगा, कोई कॉलेज में बंद नहीं होगा, कॉलेज में एडमिशन चलेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र लापरवाही कर दिए, जिसकी वजह से एडमिशन नहीं ले पाए। लेकिन मैं सभी छात्रों से विनती करूंगा, निवेदन है कि आप लोग आज जाकर एडमिशन अपना करवा लीजिए, वरना फिर आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। तो बचे हुए जितने भी छूटे हुए छात्र हैं, एडमिशन जाकर अपने अपने कॉलेज में करवा लीजिए, आज आपका लास्ट मौका है, लास्ट डेट है। एडमिशन के लिए फीस आपका लगेगा 1500 रुपये, सभी स्टूडेंट्स को बता दूँ। साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट में जो एडमिशन का डॉक्यूमेंट जितना भी सारा लगता है वो सब लगेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, टेंथ का मार्कशीट और अपना ले लीजिएगा, साथ ही साथ अपना आवेदन का रिसिप्ट ले लीजिएगा, ये सब ले लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र होगा तो ले लीजिएगा, वरना नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये सब डॉक्यूमेंट लेकर चले जाइएगा, एडमिशन आपका हो जाएगा। साथ ही साथ एडमिशन के साथ रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, ये ध्यान रखें, ठीक है सभी छात्र। एक ही बात मैं बार बार एक ही बात इसलिए बताता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में आ जाए, कोई भी स्टूडेंट्स मिस ना हो, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी स्टूडेंट्स छूटे ना। तो इसीलिए मैं सभी छात्रों से निवेदन है, आप लोग वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जितने भी दोस्त आपके पास है सभी जगह शेयर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सभी जगह शेयर करिए, सभी छात्रों को मालूम चले। और दोस्तों, जो स्टूडेंट्स न्यू यूजर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि पल पल के अपडेट जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ सबसे पहले इस चैनल पर डाला जाता है, पूरी 100% न्यूज अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता है। तो फटाफट इस चैनल से ज्वाइन हो जाओ, सब्सक्राइब करके नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, और बगल में बेल आइकन वाली घंटी को दबा दो कि आने वाली पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं एग्जाम फॉर्म की, सभी छात्र इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आप बात कर लेते हैं एग्जाम फॉर्म की, बहुत सारे छात्र एग्जाम फॉर्म को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर एग्जाम फॉर्म कब क्लियर होगा। सबसे पहले बहुत सारे छात्र ये भी कह रहे हैं कि सर एग्जाम कब से होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ उन छात्रों को जो एग्जाम को लेकर बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम से पहले आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। एग्जाम फॉर्म जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब एग्जाम की बात करिएगा, सभी छात्रों को मैं पहले बता दूं, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म जो है, एग्जाम फॉर्म को बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में कुलपति की बैठक होगी 2 से 3 दिन में, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति बैठक करेंगे, इसके विशेष में बातचीत चलेगी। तो दोस्तों, आपको 3 से 4 दिन आपको वेट करना है, इंतजार करना है 3-4 दिन, जो अगला नोटिस का इंतजार करिए, नोटिस 3-4 दिन बाद जो है जारी कर दिया जाएगा जयप्रकाश
विकास विश्वविद्यालय की तरफ से, ठीक है। और आपका एग्जाम फॉर्म जो है इसी महीने जो है एग्जाम फॉर्म का डेट जारी किया जाएगा, ध्यान रखिए इसी महीने लास्ट वीक में जो है एग्जाम फॉर्म का डेट जो है जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, सभी स्टूडेंट्स की बड़ी खबर है, एग्जाम फॉर्म का डेट जो है इसी महीने लास्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा। और देखिए एग्जाम फॉर्म का जो डेट है इसी वेबसाइट पर आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएगा एग्जाम फॉर्म का डेट जो है यहाँ पर। एग्जाम फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन ही भरना है, ठीक है, ऑफलाइन कॉलेज में नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म आपका भरा जाएगा। तो ये सभी छात्रों के लिए बड़ी खबर है, एग्जाम फॉर्म आपका इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन इसी मोड में भरा जाएगा और यहाँ पर आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जेपी विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है, jpbadmission.org, ठीक है। इसी वेबसाइट पर आपको एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरना है, सारी जानकारी इसी चैनल पर आपको मिलेगा। मौर्य गुरु एकेडमी पर पूरी पल-पल की अपडेट पाते रहिए, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, आप नहीं सब्सक्राइब किए तो आप भी कर लीजिए, जो छात्र नहीं जुड़े हैं। वीडियो कैसा रहा कमेंट सेशन में जरूर बताएं, 3-4 दिन वेट कर लीजिए, 3-4 दिन बाद जो है नोटिस आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, और इस महीने जो लास्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम फॉर्म का डेट भी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह। जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाए सभी छात्र। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वीडियो कैसा रहा कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, उन छात्रों के लिए जिनका फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आया था वो छात्र आज जाकर एडमिशन करवा लीजिए, आज लास्ट डेट रखा गया है, 4 बजे तक आप लोगों का एडमिशन होगा, 4 बजे से पहले पहले आप लोग अपना एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि 4 बजे जो है कॉलेज बंद कर दिया जाएगा, यानी आप लोगों का 4 बजे कॉलेज बंद हो जाएगा। तो आप लोग पहले ही पहले आपको एडमिशन करवा लेना है, आज जाकर किसी भी हालात में आपको एडमिशन करवा लेना है, ध्यान रखें। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि सभी दोस्तों को मालूम चल जाए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।